इत्तेफाक से हम दोनों चले सर, ऑफ कोर्स कितनी देर का शॉट है वो बता दे। इत्तेफाक से 20th अप्रैल 2012 को ये आइकॉनिक फिल्म्स, इसलिए नहीं कि उसमें हम लोगों को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ना ना ना, उससे कोई अवार्ड तो वो नहीं आया तो इसको दे दो, वो नहीं आया तो उसको दे दो, वो चक्कर है, वो मुझे मालूम बहुत अच्छी तरह से। लेकिन जब तक कि वो आइकॉनिक फिल्म विकी डोनर, जिसका सब्जेक्ट ओरिजिनल था, मैंने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी को बहुत मानता हूँ, और जिसमें जिसकी वजह से इंडस्ट्री को एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा स्टार मिला जिसके बारे में चर्चा ये हो रही थी, मैं किन्हीं के साथ शूट कर रहा था, वो इनसे बहुत बड़े स्टार हैं, तो उन्होंने कहा यार वो तो अब मतलब कंधे से कंधा मिला रहा है, तो मैंने कहा आर्ट के मामले, नहीं आर्ट छोड़ो ना, पैसे के मामले में। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि एक सुपरस्टार के स्टेटस को भी एक चैलेंजिंग आदमी सामने आ गया, तो मुबारक हो। ये कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ आपको एक्सलेंस भी जो है, आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सक्सेस भी मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और 20 अप्रैल को हम दोनों साथ काम कर रहे थे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना आज भी वो ही आदर देते हैं, वो ही इतना प्यार देते हैं, मान देते हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ आयुष्मान खुराना जी आपका कि आप मुझे इतना मान देते हैं। 20th अप्रैल को इन्होंने वो तस्वीर, आई थिंक आपने क्या कहते हैं, ट्वीट किया, क्या करते हैं, थैंक यू सो मच। हमारे डायरेक्टर साहब राज चांडिले साहब, ये जो मेरी हालत देख रहे हैं, मुझे बुढ़ापे से कभी भी कोई डर नहीं लगा। बहुत आभारी हूँ, रियली वेरी थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये रुके, मेरे साथ एडजस्ट किया, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं वो आर्टिफिशियल बियर्ड नहीं कर सकता। रुके, इन्होंने कहा आप बियर्ड बढ़ाइए, मैंने कहा बढ़ा लेता हूँ, मुझे लगा कि ये काम और कोई नहीं करवा सकता था। अच्छा, इस दाढ़ी को रखने के बाद कुछ सिलसिला ऐसा बना, आप जिम्मेदार हो उस दाढ़ी के, कि बुरा मत मानना, मतलब आई एम नॉट ए पर्सन हु विल बास्क इन द ग्लोरी ऑफ पास्ट और ऑल द जवानी बुलशिट एंड बुरानी, ऑल दैट मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक बड़ा ताज्जुब हुआ कि दाढ़ी के सफ़ेद बालों के अंदर मुझे बहुत सारी खवातीन ने, खवातीन समझते हो आप? हाँ सर। अजी भैया आओ। तो बहुत सारी लड़कियों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारी जिंदगी में, जवानी में कभी ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला था यार जो सफेद दाढ़ी के अंदर मिला। आपको क्रेडिट जाता है, मैंने 3 फिल्में कंप्लीट कर दी इस दाढ़ी के अंदर। क्या बात? अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से उनको वाइंड अप करके वापस उसमें रूम में आ जाऊँ। ये मेरे तो मैं बहुत आभारी हूँ राजीव, जोरदार तालियां मेरे डायरेक्टर के लिए, बहुत बहुत आभारी, रियली आप बहुत सब जेन्युइनली आपने इतना प्यार दिया यार, इस एज में और क्या चाहिए आपको? आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो यही काफ़ी है, अदरवाइज द एग्जिस्टेंस हैज बीन वेरी काइंड टू मी। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, उसके बावजूद आप जैसे लोग थोड़ा प्यार दे देते, व्हाट एल्स यू नीड? आप बहुत सेक्सी हैं सर, यू टू कूल फॉर स्कूल, यू आर वेरी सेक्सी, आई शुड टेल। थैंक यू। ये मंजोत भाई के साथ बैठना होता था, इतना मुझे इनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, मन इनका इनके साथ मेरा लग गया। मंजोत भाई सलामत रहें, दिल्ली के हैं। नहीं नहीं, मैं इसलिए रियली मैं बोल रहा हूँ यार, अभी तुझे मालूम है जोक करने के पैसे मिलते हैं। रियली बिल्कुल बिल्कुल इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें 1% भी मैं झूठ बोलूँगा, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो पंजाबी बंदा है, जाट है, माँ बहन करने में भी 1 मिनट नहीं लेता हूँ, आपको मालूम बहुत अच्छी तरह से। ये लड़की से जब मैं मिला, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन आगरा, नुसरत से, और मैंने, इन्होंने 2 लाइनें बोली और मैंने इनके पास जाके कहा कहाँ की हो आप? तो इन्होंने कहा मैं मुंबई की हूँ। मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मुंबई में कॉन्वेंट एजुकेटेड आज के ज़माने की पढ़ी हुई लड़की भारत की मातृभाषा इतनी अच्छी तरह से बोल पाती है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, यू विल ब्रिंग ग्लोरी टू दिस कंट्री। Yes,
यस दूसरे हमारे जो इंडस्ट्री की और बहुत सारी माताएं बहनें हीरोइन हैं उन सबको मालूम होना चाहिए कि आप हिंदी भाषा में काम करती हैं, आप कितनी ही अंग्रेजी बोल लें लेकिन खाना आपने हिंदी की है। आप समझ रहे ना, जेनिफर लॉरेंस की बराबरी नहीं कर सकते हो तुम, ऑड्री हेपबर्न नहीं बन सकते हो, ड्रू बैरीमोर नहीं बन सकते हो, एनी हैथवे नहीं बन सकते हो, तुमको नुसरत हरूचा बनना है। थैंक यू वेरी मच, शाबाश। आयुष्मान एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद आयुष्मान का बर्थडे है, 14 सितंबर को। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड लोड्स ऑफ सक्सेस एंजॉय बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अब आप फादर भी हैं और जब ये हीरो बन के आए थे वो उन केसेस में से जो ऑलरेडी शादीशुदा थे। सो मेरी पूरी दुआएं आपके साथ है, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बैनर्जी साहब के साथ इंटरेक्शन का ज्यादा अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन जितना था, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। निधि जी थैंक यू सो मच, वर्किंग विद यू, एन ऑनर टू वर्क विद यू। भंसाली साहब थैंक यू सो मच। हमारी ये फिल्म है लेकिन हमारे कपूरों की एक लड़की ने जो भी जिस चीज़ के ऊपर दाव लगाती है बड़ी बड़ी भारी जुआरी है, वो आई नहीं है उसके साथ। दूसरा है, हाँ और किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जब मैंने पहली बार उससे पिछले साल ही मिला था, एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने एक सीरियल वेब सीरीज कह दें वो बनाई, होम, हमारे साथ और भी दूसरे, सुप्रिया जी भी थी, तो पहली बार उसके साथ काम करने का मौका मिला, ये दूसरा है। एंड शी हैज ब्रिंग ग्लोरी टू द कपूर क्लैन, जिसका नाम है एकता कपूर, उस लड़की ने। हाँ और किसके बारे में बात कर रहा हूँ? When I say कपूर girl, it means एकता कपूर मेरी प्रोड्यूसर है। और जो भी प्रोड्यूसर होता है ना, वो हम पुराने स्कूल के जो है 37 ईयर हो गए, वो प्रोड्यूसर को अन्नदाता मानते हैं, जो अन्नदाता सही टाइम पे चेक पहुंचा दे उसकी जय। सीधे सिंपल सी बात है। सो गॉड ब्लेस यू। हमारी भाभी शोभा जी आज नहीं आ पाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं जीतू साहब। सो मेरी पूरी शुभकामनाएं, और मैं अभी आपको बोल देता हूँ, फकीर की जबान है, ये पिक्चर तो चलनी है। मेरे हिसाब से 187 करोड़ का जो टारगेट है, इन बिटवीन 178 और 187 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म करेगी, लिख लो अभी। ओके इज दैट व्हाट्स रॉन्ग? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इट्स फाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे 187 पूजा करते करते, या पूजा जिसकी भी की जाए, पूजा थाली लेके की जाती है, पूजा घंटी के साथ घंटे के साथ की जाती है, तो जिस तरह से भी हो फिल्म चलनी चाहिए और अच्छी फिल्म चलनी चाहिए, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच थैंक यू टू द एंटायर कास्ट। आप प्लीज यहाँ पे वेट कर सकते हैं, प्लीज। एंड नाउ, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम सब यहाँ पर इंटरनेशनल पूजा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मैं आपको बताऊं कि उस पूजा में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। पूजा को सिर्फ पूजा, आपको गाना सुनने का मूड हुआ और आपने यहाँ पर द डायनामिक डुओ मीत ब्रदर्स को यहाँ पर बुला लिया है। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव मीत ब्रदर्स विद अस। आइए कराता हूँ आप सबकी उनसे एक मुलाकात। प्लीज सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। एंड मे आई प्लीज कॉल अपॉन स्टेज द सिंगर्स ऑफ आर रोमांटिक ट्रैक एक मुलाकात, अल्तमस एंड पलक। प्लीज मैम, प्लीज सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वंडरफुल म्यूजिक सर। डू यू वांट टू से समथिंग सर? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग अप इन सच लवली नंबर्स। और ये फिल्म हम सब के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है राज बाबू, इन्होंने पिक्चर बनने से पहले ही दिखा दी थी। ही सच अ गुड डायरेक्टर कि ही शोड अस व्हाट ही वांट्स। सो गाने अपने आप बन गए, पिक्चर अपने आप बन गई। सो वी आर वेरी हैप्पी। और आज पूरी म्यूजिक टीम यहाँ पे है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मेनी ईयर्स। यू विल एक्चुअली हैव ऑल द सिंगर्स कम हियर और तुम्हारे सामने आके गाएंगे सारे। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड वी आर ऑल रेडी टू रॉक यू गाइस। एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू बालाजी ऑल्सो बिकॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर करियर वॉज बेबी डॉल, जो कि एकता के विजन से आया था। तो वो बेबी डॉल से जो हमारा करियर शुरू हुआ, उसके बाद राज भाई ने हमें आज इस फिल्म में, ये हमारी पहली फिल्म है, आप लोगों को बताना चाहते हैं,
ये हमारे मीत ब्रदर्स की पहली फिल्म है जो हमने पूरी फिल्म एक साथ करी है, बिकॉज हमारी एक फिल्म थी बॉस जिससे हमने एक ट्रेंड शुरू करा था जिसमें सिंगल हर फिल्म के अंदर एक गाना देते हैं हम लोग, लेकिन दिस फिल्म इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट और जो पूजा है वो भी इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. So thank you so much. So our song Ek Mulaqat, uske singers, we would like to start with them. Please, please. So sir. Please, everybody, put your hands together for Altamish and Palak Muchhal. Come on, let's have you here. Baby, come on, everybody.